इस वीडियो के अंदर मैं आप उससे बात करने वाला हूँ टॉप 3 ऐसे वेबसाइट्स के बारे में जो कि आपको बहुत ही आपके काम आ सकता है एंड बहुत ही ये सारे जो है यूज़फुल वेबसाइट्स हैं। तो इस वीडियो में आप जो एंड तक बने रहेगा, मैं जो जो वेबसाइट्स के बारे में बताने वाला हूँ वो आप चाहे तो अपने पीसी के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं या चाहे तो आप अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। और वैसे जो इस वीडियो को आप जो एंड तक देखेंगे तो अगर आपको जो तीनों में से कोई भी वेबसाइट यूज़फुल लगा और आप चाहते हैं कि आपके लिए यूज़फुल लगा तो आप चाहते हैं यूज़ करना उसे, तो आप जो ज़रूर से कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उस वेबसाइट का, वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, ऐसे कोई भी वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़रूर से आप जो एंड तक वॉच करते रहेगा। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। तो इस वीडियो में जो सबसे पहला वेबसाइट है उसका नाम है फास्ट, एंड यहाँ पर सबसे पहले आपको जो इसके लिए एड्रेस बार में जाना है एंड इसके बाद यहाँ पर fast.com जो है वो टाइप करना है आपको। जैसे ही आप जो है टाइप करते हैं तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर सबसे पहले इंटरफेस आएगा एंड उसके बाद यहाँ पर सिंपली आपका जो करंट इंटरनेट स्पीड है वो आपको ये वेबसाइट जो है वो बता देता है। तो इसके लिए आपको जो है इसी तरीके से fast.com या तो आपको एड्रेस बार में सर्च करना होगा एंड ये बहुत ही सिंपल है। आपको जो एक ही पेज इस वेबसाइट मिलता है एंड यहीं पर आपको जो है आपके इंटरनेट का जो है करेंट स्पीड वो देखने को मिलता है एंड यहाँ पर इसी तरीके से आप जो है ये चीज़ देख सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको जो है नीचे की तरफ शो मोर इन्फो वो देखने को मिलता है, उस बटन पर जैसे आप टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है और कुछ डिटेल्स जैसे कि यहाँ पर अपलोड स्पीड एंड साथ ही साथ जो है क्लाइंट एंड सर्वर जो है वो उसका जगह जो है वो सारी चीज़ जो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ जो है आप पता कर सकते हैं इस वेबसाइट को यूज़ करके। और अगर आप जो है चाहें तो fast.com लिख सकते हैं या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक इस वेबसाइट का मिल जाएगा। तो यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ। तो इसका नाम है PrivNote एंड इसके नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ये जो है एक नोट टाइपिंग जो वेबसाइट है जहाँ पर आप जो है नोट टाइप कर सकते हैं, मगर इसमें कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहले आपको जो है नीचे की तरफ शो ऑप्शंस पर टैप करना है एंड उस बटन पर टैप करने के बाद कुछ आपको सेटिंग्स वगैरह मिलेंगे जहाँ पर आप पासवर्ड वगैरह जो है सेट कर सकते हैं। तो ये जो आप सिंपली यहाँ से आप जो है कर सकते हैं, आपको मिल जाता है करने का एंड ये जैसे आप कर लेंगे एंड उसके बाद आप जो अपने हिसाब से आफ्टर रीडिंग इट या फिर जो भी करें तो उसके बाद जो है ये डिस्ट्रॉय यानी कि डिलीट हो जाता है ये नोट। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं एंड आपको जो है एक बटन मिलता है ईमेल लिंक का एंड वहाँ पर जैसे आप जो है टैप करेंगे तो आपको जो इंटरफेस मिल जाएगा ईमेल करने का एंड आप चाहें तो खुद भी इसे रीड कर सकते हैं। और जब ईमेल लिंक पर टैप करेंगे तो यहाँ पर सिंपली जो है आपको इंटरफेस इस तरीके का कुछ मिलेगा जहाँ पर आप जो है आप आ जाएंगे इस पेज पर जिसकी मदद से जहाँ पर आप जो है इसे ईमेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसी तरीके से आप जो कुछ टाइप इसमें और करना चाहें तो कर सकते हैं एंड यहाँ पर ईमेल में इस तरीके से कुछ जो है आ जाएगा जहाँ पर लिंक देखने को मिलेगा एंड लिंक पर जैसे ही आप जिसने आप जिसको भी भेजे हैं तो वो जैसे ही ओपन करेगा तो कुछ इस तरीके से जो इंटरफेस आएगा एंड उसके बाद वो नोट जैसे ही रीड करेगा तो आपने अगर जो आफ्टर रीडिंग इट वो वाला सेटिंग्स जो अप्लाई किया है तो जैसे ही वो यूज़र पढ़ लेगा उसके बाद ये नोट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अभी इस वीडियो में नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ। इसका नाम है पिक्सलर एंड इसकी मदद से आप जो है वन टैप में बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर आप बिना किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल किए, इसका वैसे जो है एंड्रॉयड के लिए एप्लीकेशन है, उसके बिना आप जो है वेबसाइट पर ही जो है फ़ोटो एडिटिंग वो कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि बहुत सारे चीज़ें मिलते हैं, जैसे यहाँ पर फिल का ये जो आपको फीचर मिलता है तो वो जो है आप कोई ऐसे ही शेप वगैरह जो है बिल्कुल सही शेप रहा उसमें अच्छे तरीके से लगता है, वरना आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड कलर मैंने स्मार्टफोन पर टैप किया है तो ये पूरा जो है फिल नहीं हो पाया। और बैकग्राउंड में मैं अगर ब्लू कलर ट्राई करूँगा तो वो भी जो है पूरे तरीके से फिल नहीं होगा। तो उसके लिए यहाँ पर आपको जो है चाहिए रहता है प्रॉपर शेप एंड उसके बाद ही ये काम जो है हो सकता है। वैसे आप देख सकते हैं बहुत सारे और भी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि आप चाहते हैं फ़ोटो का टेम्परेचर जो है कम ज़्यादा करना एंड बाकी बहुत सारे ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो कि एडजस्टमेंट के अंदर आता है एंड उसकी मदद से आप जो है एडजस्ट कर सकते हैं ब्राइटनेस वगैरह जो है कम ज़्यादा फ़ोटो में कर सकते हैं, जो कि आप बेसिक जो भी फ़ोटो एडिटिंग टूल्स रहते हैं वो सारे आपको मिलेंगे एंड आखिर में जो आप सेव कर सकते हैं कुछ इस तरीके से जहाँ पर आप जो है यहाँ पर एक्सटेंशन वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं एंड बाकी जो भी चीज़ आप चाहें वो जैसे ही आप सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आप जो है डाउनलोड वाले बटन पर टैप करेंगे तो ये तुरंत डाउनलोड हो जाएगा एंड जैसे ही यहाँ पर ओपन पर टैप करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इस फ़ोटो में कोई भी वाटर मार्क भी नहीं आया है।
तो इस वीडियो में मैंने जो भी तीन वेबसाइट्स के बारे में बताया है उसमें से आप किसी किसी एक को भी विजिट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर आपको जो है पसंद आया और आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है तो आप जो है ज़रूर से उस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, चाहे अपने पीसी के थ्रू या फिर अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन के थ्रू। जो है तीनों वेबसाइट्स का आपको जो है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है विजिट कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो आप ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप जो है ऐसे ही और भी वीडियोस आगे देखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गुड बाय।